नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामपुर जौनपुर कस्बे में सिंगल रोड होने तथा सड़क दलदल हो जाने का खामियाजा भदोही शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। भदोही के इंदिरा मिल और फिर चोरी रोड पर मोरवा नदी तक जाम लगा हुआ है। गुरुवार को दिन भर 20 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। लगातार तीसरे दिन रामपुर मार्ग हाईवे भीषण जाम की चपेट में रहा। हाल यह है कि जाम की श्रृंखला टूट नहीं रही है। ट्रक रेंगते हुए चल रहे हैं, हल्के वाहन भी जाम में फंस गए हैं। हाल यह है कि भदोही सीमा से रामपुर 9 किलोमीटर है, लेकिन वाहनों को वहां पहुंचने में ढाई ढाई घंटे लग जा रहे हैं। शहर के इंदिरा मिल से लेकर विवेक आनंद चौराहे तक जाम में भारी वाहनों के साथ सवारी वाहनों में फंसे लोग गर्मी और उमस से परेशान हो जा रहे हैं। इन दिनों कपसेटी चौराहे से भारी संख्या भारी वाहन भदोही की ओर से आ रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है। चोरी रोड पर भी जाम लगने से भदोही से वाराणसी आने जाने वाले वाहन भी जाम में फंस रहे हैं। राह चलते सवारियों ने बताया कि समस्या काफी जटिल है। दोनों जनपद के पुलिस भदोही व वाराणसी इन लोगों को जाम से मतलब नहीं, सिर्फ वसूली करने में व्यस्त रहते हैं। आज हालात यह है कि सड़क बदलदल हो चुकी है, सिंगल रोड भी है, ऐसे में वाहन रेंग रहे हैं। समस्या कछुआ से कपसेटी होते हुए वाहनों के भदोही आने से है। राह चलते लोगों ने प्रशासनिक अफसरों से इनका संज्ञान लेकर कपसेटी से वाहनों को भदोही होते हुए जौनपुर की ओर जाने से रोक लगाने की मांग की है। भदोही से धनंजय रॉय की रिपोर्ट।